नमस्कार। तो आज हम 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। 1996 में यूएस में डॉटकॉम बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और आगे 2000 से 2002 के बीच ये डॉटकॉम बूम बस्ट हो गया, यानी स्टॉक्स की प्राइसेस बहुत तेजी से गिरने लगी, जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे। साल 2001 में यूएस में इंटरेस्ट रेट्स सिर्फ 1% के करीब आ चुके थे, तो उस समय स्टॉक मार्केट गिर रहा था, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, और इंटरेस्ट रेट्स कम थे इसलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा बैंक में भी नहीं रखना चाहते थे, तो इन्वेस्टर्स किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे। उस टाइम रियल इस्टेट के रेट्स बढ़ रहे थे, यूएस गवर्नमेंट भी लोगों को घर खरीदने के लिए एनकरेज कर रही थी, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम थे, इसलिए लोग लोन यानी कर्ज लेकर घर खरीदना पसंद कर रहे थे। इस तरह घरों की डिमांड बढ़ रही थी और घरों के दाम भी बढ़ रहे थे, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का ध्यान अब यूएस के रियल इस्टेट पर आ गया। रियल इस्टेट के बढ़ रहे रेट्स को देखकर इन्वेस्टर्स रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूएस में घरों की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी और इसलिए रियल इस्टेट के रेट्स भी बढ़ते रहेंगे, जिससे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो रियल इस्टेट में चल रही इस तेज़ी का फ़ायदा इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी लेना चाहती थी। बैंक्स तो सभी को पता है, बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FDs, लोन्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। वही इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को पैसे उठाने में मदद करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में कंपनी की मदद करना, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बेचना और डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इन जैसी कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स एटसेट्रा, ये सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स अब बैंक से लोन खरीदने लगी और कई सारे लोन्स को कंबाइन करके यानी उनके बंडल्स बनाकर एक कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाने लगी, जिसका नाम उन्होंने कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन दैट इज CDO रखा था। और इन CDOs को इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग दिलवाई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन CDOs को इवैल्यूएट करती थी यानी उन लोन्स की जांच करती थी और उसके बाद उन CDOs को रेटिंग देती थी, और फिर वो CDOs इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वेस्टर्स को बेचते थे। नॉर्मल केस में जब बैंक किसी को हाउसिंग लोन देती है तो बैंक बोरोअर यानी लोन लेने वालों की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है और उनकी इनकम भी वेरीफाई करती है। हाउसिंग लोन के केस में लोन रिपेमेंट का कालावधि काफ़ी लंबा होता है, इसलिए बैंक हाउसिंग लोन देने से पहले बोरोअर के कई सारे डिटेल्स चेक करती है। वही इस केस में बैंक अपना लोन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेच रही थी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स उन लोन्स को कंबाइन करके उनके CDOs बनाकर उसे इन्वेस्टर्स को बेच रही थी। तो यहाँ पर लोन की रिस्क बैंक ने इन्वेस्टमेंट बैंक को ट्रांसफ़र कर दी और फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने वो रिस्क CDO इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र कर दी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उनमें से ज़्यादातर CDOs को AAA रेटिंग दी थी। AAA रेटिंग सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है। AAA रेटिंग और अच्छे रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टर्स उन CDOs पर टूट पड़े। CDOs को मिलती हुई डिमांड को देखकर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास और ज़्यादा लोन्स की डिमांड करने लगे। पर बैंक्स ऑलरेडी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री और रेगुलर इनकम वाले लोगों को लोन दे चुकी थी, तो अब बैंक्स उन लोगों को भी हाउसिंग लोन दे रही थी जो वो लोन चुका पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे लो क्वालिटी के लोन्स को सबप्राइम लोन्स कहते हैं। ज़्यादा लोन्स बेचकर इन्वेस्टमेंट बैंक से ज़्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में बैंक्स बिना कोई वेरिफिकेशन किए लोन्स बांटे जा रहे थे। तो इन सबप्राइम लोन्स को बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचती थी और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऐसे हज़ारों सबप्राइम लोन्स को कंबाइन करके उनके CDOs बनाकर उन CDOs को रेटिंग एजेंसी से AAA रेटिंग दिलाने लगे। लगभग 70% CDOs को रेटिंग एजेंसीज ने AAA रेटिंग दी थी। AAA रेटिंग की वजह से उन सबप्राइम लोन से बने CDOs को भी अच्छी डिमांड आने लगी। इस तरह बैंक सबप्राइम लोन्स देती रही और इन्वेस्टमेंट बैंक्स उन लोन्स के CDOs बनाकर उन्हें इन्वेस्टर्स को बेचते रहे। कंट्रीवाइड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और अमेरिक्वेस्ट मॉर्गेज कंपनी, इन दोनों ने ही करीब $177 बिलियन के सबप्राइम लोन्स दिए थे। साल 2000 से 2007 के बीच इन्वेस्टमेंट बैंक्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के CDOs बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट में कमा रहे थे। बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी बहुत प्रॉफिट कमा रही थी। मूडीज, जो कि यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उसका प्रॉफिट 2000 से 2007 के पीरियड में 4 गुना बढ़ा था। बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का यह हनीमून पीरियड 2008 के शुरुआत तक ऐसे ही चलता रहा। AIG, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसने CDOs पर इंश्योरेंस देना शुरू किया। जैसे कि हमें पता है, इंश्योरेंस लॉसेज से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा पाने के लिए निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार का इंश्योरेंस निकालते हो तो आपको हर महीने या हर साल उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना होता है। तो अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी के लॉसेस की भरपाई करके देगी, और अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता है तो आपने भरा हुआ प्रीमियम आपका लॉस होगा। तो AIG को लग रहा था कि CDOs AAA रेटेड है, इसलिए उनके फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने CDOs पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू किया
और उसका नाम रखा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, दैट इज CDS। तो CDO इन्वेस्टर्स लॉसेस से प्रोटेक्शन पाने के लिए CDS खरीद रहे थे। CDS की खास बात ये थी कि जिनके पास CDOs नहीं है वो भी CDOs पर इंश्योरेंस निकाल सकते थे, यानी CDS खरीद सकते थे। जिन्होंने AIG से CDS खरीदे थे उन्हें हर क्वार्टर यानी हर तिमाही में AIG को प्रीमियम पे करना होता था, और अगर CDO फेल हो जाते हैं तो AIG उन्हें पे करेगी। CDS बेचने पर AIG अपने एम्प्लॉयज़ को बड़े बड़े बोनस दिए जा रही थी, पर AIG ने ये कभी नहीं सोचा कि अगर CDO फेल हो जाते हैं तो उन्हें कितना लॉस होगा। बैंक्स ने दिए हुए ज़्यादातर सबप्राइम लोन्स एडजस्टेबल रेट लोन्स थे, जिनके इंटरेस्ट रेट्स शुरुआत के कुछ सालों के लिए बहुत कम रहते हैं और उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। ज़्यादातर सबप्राइम बोरोअर्स को एडजस्टेबल रेट्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी और बैंक्स ने भी उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। तो जिन लोगों ने एडजस्टेबल रेट्स पर सबप्राइम लोन्स लिए थे उन्हें शुरुआत में तो बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ा, पर कुछ 3-4 साल बाद यानी ज़्यादातर केसेस में 2007 से उन्होंने लिए हुए हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारे बोरोअर्स को इन एडजस्टेबल रेट लोन्स की कोई आइडिया नहीं थी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जिन्होंने सबप्राइम लोन लिया था उन्हें यह ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना बहुत मुश्किल जाने लगा और उन्होंने लोन डिफॉल्ट करना शुरू किया, यानी लोन चुकाना बंद कर दिया। तो फिर बैंक्स उन घरों को बेचकर अपने पैसे रिकवर करने लगी, यानी लोन के पैसे उन घरों को बेचकर वसूल करने लगी। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बैंक्स ने बोरोअर्स की ठीक से जांच किए बिना और उनकी कैपेबिलिटी को देखे बिना उन्हें लोन दिया था। ज़्यादातर बोरोअर्स के पास तो रेगुलर इनकम सोर्स भी नहीं था, फिर भी उन्हें बैंक ने हाउसिंग लोन दिया था। यहाँ पर बैंक्स ने एक और गलती की थी। बोरोअर्स घर खरीदने के लिए लगभग पूरा पैसा बैंक से लोन ले रहे थे और खुद की जेब से कुछ भी नहीं पे कर रहे थे। 2005 में करीब 50% बोरोअर्स ने घर खरीदने के लिए खुद की जेब से कुछ भी पे नहीं किया था। घर खरीदने के लिए उन्होंने पूरा पैसा बैंक से लिया था, जबकि नॉर्मल केस में घर खरीदने के लिए बोरोअर को कुछ पैसा खुद की जेब से देना होता है और बाकी पैसा बैंक लोन देती है। तो यहाँ पर घर खरीदने के लिए बोरोअर्स ने खुद का पैसा नहीं लगाया था। तो अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से धीरे धीरे डिफॉल्ट करने वालों की यानी लोन ना चुकाने वालों की संख्या बढ़ने लगी, तो बैंक्स उन सारे घरों को नीलाम करके उन्हें बेचने लगी। अब इतने सारे डिफॉल्ट्स के कारण बैंक्स ने बहुत सारे घरों को नीलाम करने के लिए निकाला, पर अब 2007-08 तक इंटरेस्ट रेट्स भी 5% के लेवल पर आ चुके थे और ऑलरेडी बैंक्स बहुत सारे लोगों को लोन दे चुकी थी, और इसलिए बैंक्स को उन घरों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से घरों के दाम तेज़ी से गिरने लगे और गिरकर बहुत कम हो गए। तो जिन लोगों ने घर खरीदने के लिए लोन लिया था उनका लोन अब उनके घर के भाव से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने जब घर खरीदे थे तब घरों के दाम बहुत ज़्यादा थे और अब वो काफ़ी गिर चुके थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 50 लाख का घर लोन लेकर खरीदा है और अब उस घर की वैल्यू 30-35 लाख हो गई है, तो वो बोरोअर तो यही सोचेगा कि 30-35 लाख के घर के लिए मैं उससे ज़्यादा अमाउंट का लोन क्यों चुकाऊँ। इसलिए अब सारे बोरोअर्स डिफॉल्ट करने लगे। इन डिफॉल्ट्स के चलते बैंक के पास पैसा आना बंद हो गया और उनका कामकाज रुक गया। इन डिफॉल्ट्स की वजह से CDOs की वैल्यू अब जीरो हो गई और जिन इन्वेस्टर्स ने CDOs खरीदे थे उनका पूरा पैसा चला गया। जिन इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स को सबप्राइम लोन की पूरी रियलिटी पता थी उन्हें पता था कि CDOs कभी भी फेल हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में CDS यानी CDOs पर इंश्योरेंस खरीदे थे, और जब CDOs फेल हो गए तो उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ था। AIG जिसने CDOs पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था उसे करीब $99 बिलियन के लॉसेस हुए। AIG बहुत बड़ी कंपनी थी, इसलिए क्राइसिस को और ज़्यादा फैलने से बचाने के लिए और AIG के एम्प्लॉयज़ की जॉब बचाने के लिए US गवर्नमेंट ने AIG को बेल आउट किया, यानी गवर्नमेंट ने खुद AIG में करीब $85 बिलियन डालकर उसे बचा लिया। इन सबके चलते लोगों ने CDOs खरीदना बंद कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जिन्होंने बैंक से लोन खरीदकर CDOs बनाए थे उनके पास बहुत सारे CDOs पड़े थे और कोई भी अब CDOs खरीदना नहीं चाहता था, तो उन CDOs के लॉसेस इन्वेस्टमेंट बैंक्स को झेलने पड़े और US के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स घुटनों पर आ गई। लीमन ब्रदर्स जो कि US के वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स थी वो बैंकक्रप्ट हो गई और लीमन ब्रदर्स के करीब 25,000 एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई। बेयर स्टर्न्स को JP Morgan चेस ने खरीद लिया और मेरी लिंच को बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदा। इस क्राइसिस में बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करीब $450 बिलियन का नुकसान हुआ था। यहाँ पर खास बात यह भी थी कि CDOs और CDS इन पर कोई रेगुलेशन नहीं था जो इन सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर नज़र रखे और उन्हें कंट्रोल में रखे। फेडरल रिजर्व के पास मॉर्गेजेस को रेगुलेट करने की अथॉरिटी थी, पर तब के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर एलन ग्रीनस्पैन ने उसे रेगुलेट करने से मना कर दिया था। तो इस क्राइसिस के कारण क्रेडिट क्रंच पैदा होने लगा, लोन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत सारे बिजनेसेस उन्हें कैपिटल या लोन ना मिलने की वजह से बंद हो रहे थे। US की इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरह रुक गई, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, ग्लोबल ट्रेड्स पर भी इस रिसेशन का असर होने लगा।
यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज के दौर में अगर कोई बड़ी इकोनॉमी प्रॉब्लम में फंसती है तो उसका असर उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी सारी इकोनॉमीज पर पड़ता है। 2008 का यह फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा था कि इसका असर लगभग पूरी दुनिया पर पड़ा था और ग्लोबल रिसेशन आ गया था। इस क्राइसिस की वजह से बहुत सारी कंट्रीज बैंकक्रप्ट हो गई थी। 2005 में जब मिस्टर रघुराम राजन IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, तब उन्होंने इस फाइनेंशियल क्राइसिस को अपने रिसर्च पेपर में प्रेडिक्ट किया था, जिस पर कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया था। अगर आपको यह 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी तरह से समझ में आ गया है तो ज़रूर यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर शेयर करें, ताकि उन्हें भी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पता चले। अगर आप finovations.com पर नए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके finovations.com की फैमिली में शामिल हो जाइए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई सवाल पूछने हैं तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641-491 इस नंबर पर अपने सवाल पूछ सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।